हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जर्नल एंट्री जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 है डीके गोयल के अकॉर्डिंगली, उसकी हम बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे जी। इससे पहले हम सिंपल जर्नल एंट्री सीख चुके हैं और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से पास करनी है वो सीख चुके हैं जी। तो आज की इस टॉपिक के अंदर हम बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन पास करनी सीखेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास आपने याद रखना है कि बैंक और कैश, हमारे पास टू आइटम्स हैं, बैंक एंड कैश। जब भी ये दोनों बैलेंस इंक्रीज होंगे तो आपने इन्हें डेबिट करना है, और जब कभी भी ये हमारे डिक्रीज होंगे, बैंक बैलेंस या कैश का बैलेंस आपका डिक्रीज होगा, तो इसे हमने क्रेडिट करना है। बस ये सिंपल आपको एक रूल याद होना चाहिए, इसी से हमारी सारी ट्रांजैक्शन पास हो जाएंगी। तो सिंपली है, बैंक या कैश अगर इंक्रीज़ करना है तो आपने डेबिट करना है, अगर आपने डिक्रीज़ करना है तो क्रेडिट करना है। जैसे फर्स्ट एंट्री है, व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर आप बैंक में रुपये जमा करवाओगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बैंक आपका हो जाएगा डेबिट, और कैश बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज, देन कैश को कर देंगे क्रेडिट। क्लियर है। व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम दी बैंक, मान लीजिए मैं अगर बैंक में जा रहा हूँ कैश विड्रॉन कराने के लिए, मतलब कैश लेकर आ रहा हूँ घर पे, तो कैश बैलेंस मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो टू बैंक हो जाएगा। व्हेन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इन टू दी बैंक ऑन दी सेम डे, मान लीजिए एक कस्टमर ने मुझे एक चेक दिया और मैंने उसे बैंक में लगा दिया सेम डे पे, तो सेम डे पे मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू कस्टमर का नाम लिखना है, क्योंकि इस टाइम जो गिवर पर्सन था वो कस्टमर था, तो कस्टमर आपका क्रेडिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, व्हेन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू बैंक ऑन द सेम डे, आपको चेक मिला बट चेक मिलने के बाद आपने उसे उसी दिन जमा नहीं करवाया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सैटरडे को आपको चेक मिलता है जी, सैटरडे को मिलने के बाद आपने सोचा इसे मंडे को जमा करवाया जाएगा, तो सैटरडे को भी आपके पास रहा, संडे को भी रहा, मंडे को वो चेक जमा हो रहा है, तो जब हमारे पास वो सैटरडे की एंट्री और संडे की एंट्री जो रहेगी वो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर रहेगा। अगर ऊपर वाला जो चेक जो मेरे को मिला कभी नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे, मतलब जब कभी भी जमा होगा, तो फिर एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, टू करेंगे चेक इन हैंड, ये हमारी एंट्री बनेगी जी। नेक्स्ट है, व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट, मान लीजिए किसी भी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट रुपये जमा करवा दिए, तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, When a check previously deposited into the bank is dishonored, dishonored का मतलब होता है यहाँ पे cancel, ठीक है जी। मान लीजिए अगर मेरे को कोई भी चेक, ठीक है जी, कस्टमर ने दिया और वो वाला चेक मेरा dishonored हो जाए, मतलब मान लीजिए कि कस्टमर ने साइन मैचिंग ना खा रही हूँ, डेट गलत लिख दी हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करनी है, मान लीजिए कि ये वाला जो चेक है कस्टमर का जो मेरे को मिला था, अब ये चेक मेरा कैंसिल हो रहा है, डिशोनर्ड हो रहा है, तो आपने इसी एंट्री का रिवर्स कर देना है, ठीक है जी। तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डे, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है राम, ठीक है जी, उससे मुझे रुपये लेने हैं 10,000, बट वो मेरे को अमाउंट या चेक दे रहा है जी 9,800 रुपीज़ का, तो 200 रुपीज़ का मैंने उसे क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। क्लियर है जी। और वही चेक मैंने सेम डे जमा भी करवा दिया, तो मेरी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 9,800 का, मैं उसे डिस्काउंट दे रहा हूँ 200 का, क्योंकि 10,000 वो दे रहा है बट 200 रुपीज़ उसे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 200 मेरा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, और टू कर देंगे हम कस्टमर का पर्सनल अकाउंट। मान लीजिए अगर यही चेक मेरा डिशोनर्ड हो जाए, तो हमने क्या करना है जी, इसी एंट्री का रिवर्स कर देना है, तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, बैंक बैलेंस 9,800 से क्रेडिट, 200 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ आपका क्रेडिट हो जाएगा जी।
व्हेन पेमेंट इज मेड बाय बैंक मेड बाय इशू ऑफ ए चेक। मान लीजिए अगर आप किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो चेक के थ्रू, तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा टू बैंक। और किसी भी पर्सन को अगर चेक दे रहे हैं तो वो पर्सन कौन है, रिसीवर है, तो रिसीवर आपका डेबिट हो जाएगा। तो उस पर्सन का नाम लिखें डेबिट और टू कर दें बैंक अकाउंट। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ ए चेक, अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो चेक के थ्रू, तो आपने एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और टू बैंक कर देना है, क्योंकि बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ रुपए बैंक से विड्रॉन करे, तो बैंक बैलेंस आपका क्या होगा, डिक्रीज, और ड्रॉइंग अकाउंट आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी जी, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए आपने ऑलवेज ड्रॉइंग वर्ड यूज करना है और ड्रॉइंग ऑलवेज ही डेबिट रहेगी जी, और बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होगा क्योंकि आप बैंक से विड्रॉन कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, देखो चार्ज का मतलब होता है लेना, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया। देखो बैंक हमसे अगर इंटरेस्ट लेगा वो मेरे घर तो कभी आएगा नहीं, वो मेरे बैंक से ही बैलेंस को डिडक्ट कर लेगा, तो बैंक बैलेंस आपका डिडक्ट हो जाएगा टू बैंक, और इंटरेस्ट वो मेरे लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो जब भी बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो वो मेरे अकाउंट में ही डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा, तो बैंक बैलेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टू कर देंगे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड। व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक, बैंक ने कुछ सर्विस हमें दी, उस सर्विस के बदले में उसने कुछ अमाउंट डिडक्ट करी। तो देखो जब भी बैंक हमें कुछ सर्विस देता है, सर्विस लाइक जैसे एटीएम फैसिलिटी हो गया आपके पास, मैसेज फैसिलिटी हो गया, ठीक है जी, तो उसके बदले में बैंक हमसे कोई ना कोई अमाउंट को डिडक्ट करेगा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट रहेगा और टू बैंक करेंगे जी। क्लियर है, ये हमारे पास कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। अब इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, वो डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट रुपीज 25,000। अगर आप बैंक के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन करवाएंगे तो अकाउंट ओपन करवाने के टाइम आपको फॉर्म भी फिल करना होगा और अमाउंट भी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है जी, आप अमाउंट दे रहे हो 25,000, तो आपकी जेब से कैश तो जा रहा है, मतलब कैश बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल आपने कैश को कर देना है क्रेडिट और बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारी एंट्री बन जाएगी 25,000 रुपीज़ की जी। क्लियर है, तो रूल वही चल रहा है बैंक और कैश है, जब भी इंक्रीज करना है डेबिट कीजिए, जब भी इन्हें डिक्रीज करना है क्रेडिट कीजिए। क्लियर है, तो ये फर्स्ट एंट्री है। सेकंड पे चलते हैं, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखो अगर आप चेक देकर पेमेंट कर रहे हैं गुड्स की, तो सिंपली है कि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, टू बैंक कीजिए रुपीज 10,000 से। और आप गुड्स परचेज कर रहे हो, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट करते हैं जी, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है थर्ड, कैश सेल्स रुपीज 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट रुपीज 30,000 डिपोजिटेड इन टू बैंक। आपने 40,000 की सेल करी जिसमें से 30,000 बैंक में रुपए जमा करवा दिए। देखो अब आपने रुपए बैंक में जमा करवाए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 30,000 से, ठीक है जी। और कैश का जो बैलेंस इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 10,000 से, और जो आपने सेल करी है 40,000 की, तो सेल करेंगे लो जी 40,000 हमारी सेल क्रेडिट हो जाएगी। ओके, फोर्थ है हमारे पास विड्रो फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 5,000। आपने प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज जहाँ पे भी आ जाए ड्रॉइंग, वो हमेशा ड्रॉइंग वर्ड यूज करना है, तो ड्रॉइंग आपकी हमेशा क्या रहेगी, डेबिट रहेगी, तो ड्रॉइंग अकाउंट करें डेबिट। अब देखो आपने विड्रो करा प्राइवेट यूज के लिए, बट क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा ये विड्रो कहाँ से करा, आपने बैंक से करा या कहाँ से करा। जब ऐसी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो आप यही मानोगे कि आपने वो बैलेंस जो अपने बिजनेस से ही विड्रॉन कर रखा है और बिजनेस से कैश जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम बिजनेस के व्यू से करते हैं, तो बिजनेस से कैश निकल रहा है, तो बिजनेस से कैश अगर कम होगा तो टू कर देंगे कैश अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे जी हम 5,000 रुपीज़ की जी। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब देखो प्राइवेट यूज के लिए बैंक से रुपए निकलवा रहे हो तो फिर ड्रॉइंग वर्ड लगाना है, और देखो अगर बैंक से रुपए निकलवा रहे हो
तो टू बैंक अकाउंट भी करना है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000। नेक्स्ट है हमारे पास विड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज़ 12000। आपने बैंक से रुपये निकलवाए बट अब की बार पर्पस मेंशन नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप बिजनेस के लिए लेकर जा रहे हो रुपये, तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारी एंट्री बन जाएगी 12000 रुपीज़ की जी। नेक्स्ट है सेवंथ, प्लेस्ड ऑन FD फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट ₹20,000। आपने अपने करंट अकाउंट से रुपए निकलवा कर FD करवा दी उसकी। तो देखो करंट अकाउंट से आपके जब भी रुपए डिक्रीज होंगे, क्योंकि निकालोगे तो डिक्रीज होंगे टू बैंक अकाउंट, जैसे हमारा करंट अकाउंट के लिए हम बैंक वर्ड का यूज़ करते हैं, तो सेम FD के लिए आपने FD वर्ड ही यूज़ करना है, फिक्स डिपॉजिट। तो FD आपकी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट कीजिए ₹20,000 से। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था बैंक से रिलेटेड। तो अगर आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट इसी चैनल पर मिलने वाला है जी। थैंक यू।